थिएटर सिनेमा के लिए, क्योंकि भोजपुरी अधिकांश गानों पे ज्यादा फोकस कर रही है और गानों पे एल्बम की तरफ मैं भी बोल रहा हूँ कि क्या करे, कंपटीशन है तो जहाँ कंपटीशन है वहीं आदमी शुरू हो जाता है, क्या करे कि खुद को बचाना है और कंपटीशन किससे होगा, मुझसे ही है और बड़े भाई हैं उनसे है। तो प्रॉब्लम यह है जे हम तो कोशिश करते हैं कि जहाँ हम रहे वहाँ वो रहे, जहाँ वो रहे तहाँ हम रहे। तो ये अच्छी बात है, कंपटीशन करना अच्छी बात है, क्योंकि इंसान एक दूसरे को हमेशा प्रयास करता है कि मैं कुछ बेहतर करूं, मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ क्या, और वो भी मीडिया के सामने ना, कोई बात नहीं, कभी कभी झूठी चीजें भी सच हो जाती है। भगवान करे कि आप लोगों के अनुभव मेरे को फिर से कोई नया जिंदगी मिला दे। लेकिन अब नहीं, अब क्या, अब तो उम्र भी हो गई, 25 साल का हो गया, इसमें भी झूठे चल रहा है। कोई बात नहीं, आप सबका प्यार रहे तो हम कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि आप सबका प्यार और आप सबकी ऊर्जा तो बेहतर करो। तो कंपटीशन बुरी चीज नहीं है, अगर आपके जीवन में कंपटीशन ना हो तो आपका काम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो कहीं ना कहीं हम प्रयास हैं और इसमें भोजपुरी का जितना भी योगदान हमारी तरफ से हो सकता है, भोजपुरिया ने हमें बनाया, अब हम भोजपुरी के लिए क्या कर सकते हैं, प्रयास है, हमने खुद के लिए जितना मेहनत करना था कर दिया है, पैसे भी हो गए, गाड़ी भी हो गई, सारी चीजें तो हो ही गया है, अब जीवन में कुछ चाहिए नहीं, अब चाहिए कि हमसे क्या हो सकता है अपनी भाषा के लिए वो करें। और अपनी भाषा के लिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है तो हमें तो सिर्फ मेहनत ही करना है, आगे बढ़ाने का काम तो इन सबका है, क्योंकि कुछ भी आगे ज्यादा ऊपर होता है तो पैसा लगता है ना, तो पैसा वाले लोग तो पहले ही से कार्तिक भैया ऑलरेडी ऊर्जा में है कि अब 2-4-5 करोड़ लगाएंगे भोजपुरी में। तो इनका प्रयास रहा और हम सब मेहनत करेंगे तो बेहतर चीजें होगी। और पराग पाटिल के साथ ही मेरी जितनी भी फिल्म हुई है करीब सबके सब सुपरहिट है, क्योंकि हम एक दूसरे से लड़ते भी बहुत ज्यादा, ये ना मेरे लिए डायरेक्टर का भी रहे और ना ही मैं इनके लिए एक डायरेक्टर रहा, हमेशा एक छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता और दोस्त का भी रिश्ता हमारे साथ जितने भी है, कभी हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह लड़ते नहीं, ऐसे तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हुई इसलिए अनुभव नहीं है मेरा, झूठ बोल रहा हूँ क्या, और वो भी मीडिया के सामने ना, कोई बात नहीं, कभी कभी झूठी चीजें भी सच हो जाती है, भगवान करे कि आप लोगों के अनुभव मेरे को फिर से कोई नया जिंदगी मिला दे। लेकिन अब नहीं, अब क्या, अब तो उम्र भी हो गई, 25 साल का हो गया, इसमें भी झूठे चल रहा है। कोई बात नहीं, आप सबका प्यार रहे तो हम कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि आप सबका प्यार और आप सबकी ऊर्जा, क्योंकि आप लोगों इतने प्यार से हमें हमेशा हैंडल किया हो, चाहे जितने भी मीडिया ग्रुप है सबने मुझे प्यार किया है, और मुझे लगता है कि सब लोग मेरे साथ आते हैं तो बड़ा हैप्पी रहते हैं, दिल खोल के सारी बतियाता भी है, बातें भी करता है, और मैं किसी चीज में हिचकिचाता नहीं, चाहे वो मेरा काम हो, चाहे मेरे रिश्ते हो, और चाहे मेरे अपने हो, और चाहे मेरे दुश्मन, मैं सबके लिए बराबर ही बोलता हूँ। तो कोशिश है, और मैं चाहता हूँ कि राजा राम, ये जो एक एक्टर की कहानी है, पर्टिकुलर राम की कहानी नहीं, ये एक एक्टर की कहानी, कि एक एक्टर को थोड़ा सवारी प्रयास है कि राजा राम को आप अपनी ऊर्जा से कितना एक बेहतर सिनेमा को आप कितना प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि अब सिनेमा बहुत कम बन रही है, सीरियल ज्यादा बन रहा है, तो उसमें आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट मुझे लगता है कि आप लोग अगर चाहेंगे तो सिनेमा फिर से बेहतर होना शुरू हो जाएगा, तो आप भी प्रयास करिए, हम भी प्रयास करते हैं, ताकि अगर सिनेमा बचेगा तो ही हम बचेंगे, हम तभी तक कलाकार हैं जब तक हमारे पास आप सब हैं और सिनेमा है, नहीं तो हमारे जैसे कलाकार तो रोज बेचारे घूम रहे हैं, कहां कोई पूछ रहा है। पहली बार आपके सामने लॉन्च करने जा रहे हैं, अक्सर आजकल चीजें मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बाहर आ जाती है, मगर बिल्कुल आपके सामने होगा।